हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो आपके लिए एक गाड़ी लेके आया हूँ जी, ये लेके आया हूँ जी, टाटा की अल्ट्रोस। ये जो वेरिएंट निकाला है कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छा वेरिएंट निकाला है। पूरा स्पोर्टी लुक में निकाला है ये वेरिएंट। और सीधा सीधा इसका जो कंपेरिजन है, ये होता है जी हुंडई की i20 के साथ, जो उनकी एन लाइन आती है उसके साथ इसका कंपेरिजन होता है। बहुत ही अच्छी लग रही है, स्पोर्टीनेस प्रॉपर इसमें आ रही है। इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा इसका, प्रॉपर जो स्पोर्टी लग रहा है। बाहर से ही देखिए गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये जो गाड़ी आई है, ये आई है जी 1.2 लीटर पेट्रोल में आई है। और फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ कितनी अच्छी लग रही है। फ्रंट में यहाँ पे देखिए आप, सेंटर में आपको मिलेगा टाटा का लोगो मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा इसमें। पियानो फिनिश में आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी। ऊपर आपको हेडलाइट्स मिल जाएंगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आ जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगी और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा। जो इसकी ग्रिल है, ये एयर कटिंग के लिए जो ग्रिल मिलती है आगे, ये आपको मिलेगी रफ़ ब्लैक में। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी आगे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्यूल कलर में है। ऊपर आपको जो रूफ़ मिलेगी ब्लैक कलर की मिलेगी, पिलर्स भी ब्लैक ही मिलेंगे, और नीचे यहाँ पे जो कलर मिलेगा ये ग्रे कलर मिलेगा आपको। ये टाटा इसमें 3 कलर्स ऑफर कर रही है, लेकिन ये वाला जो कलर है ये है जी प्योर ग्रे, नाडो ग्रे भी बोल देते हैं इसको। फ्रंट में बम जो बोनेट है इस पे आपको मिल जाएगी ग्राफिक्स, बहुत अच्छी लग रही है। ये आपको रूफ पे मिल जाएगी और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन वाइपर्स मिल जाएंगे, सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाएगी और साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको रेसर की बैजिंग मिल जाएगी और इधर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, फेंडर पे मिलेगा ये। और टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो टायर सेक्शन जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा जी 185/60R और 16 इंच का आपको ब्लैक कलर में अलॉय व्हील मिलेगा। ग्लॉसी ब्लैक में है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और नीचे यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाएगी, सेम बॉडी कलर में ही आपको क्लैडिंग मिलेगी। काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर आपको ग्रे मिलेगा और नीचे यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश ही मिलेगी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। और यहाँ डोर हैंडल्स की बात करें, ये भी आपको बॉडी कलर में ही मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। और ए पिलर जो मिलेगा ये आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेगा, और बी पिलर आपको ब्लैक रफ ब्लैक में मिलेगा, और जो सी पिलर है यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक ब्लैक टेप आउट में मिल जाएगा। पीछे से आप गाड़ी देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगी। और ऊपर आपको देखिए किस तरह की डिजाइनिंग मिलेगी आपको ये ग्राफिक्स पे। और इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको इसका मैं। इंटीरियर में जो लुक रहेगी, ये पूरी प्रॉपर स्पोर्टीनेस आ रही है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो इंटीरियर है कितना अच्छा लग रहा है। डोर पैड्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको जो मिलेगा ये मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट फैब्रिक मिल जाएगा। आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में डोर ओपनर मिल जाएगा। यहाँ पे ग्लास अप डाउन के कंट्रोल्स आ जाएंगे। ORVM यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको ग्लासेस को लॉक लगा सकते हैं। लेकिन बाहर में आपको दिखा देता हूँ, जो इसका ORVM है ये आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश पे। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा 360 के लिए, और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्पेस, ये बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अम्ब्रेला भी रख सकते हैं। स्पीकर्स जो मिल रहे हैं इसमें आपको, ये 8 स्पीकर्स मिल रहे हैं, 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स मिल रहे हैं। तो कैबिन की बात करें, कैबिन मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉपर स्पोर्टीनेस दिखा रहा है ये। और की बात कर लेते हैं, तो की कुछ इस तरह से रहेगी इसकी। जो की देख रहे हैं आप, इस तरफ आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, और बूट ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और हेडलाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्टेयरिंग व्हील से शुरू कर लेते हैं। तो स्टेयरिंग व्हील जो आपको मिलेगा लेदर रैप में मिलेगा, और डी कट में मिलेगा, फ्लैट बॉटम में मिलेगा, यहाँ पे 3 स्पोक में मिलेगा। सेंटर में आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो, इस साइड आपको मिल जाएंगे मीडिया कंट्रोल्स, और इस साइड आपको मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, और MID कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगी। सेंटर में आपको मिलेगा क्लस्टर, क्लस्टर जो मिलेगा ये आपको मिलेगा 10.16 सेंटीमीटर का आपको ये क्लस्टर मिल जाएगा। इस तरह आपको वाइपर की टॉगल मिल जाएगी, और इस साइड आपको मिल जाएगी हेडलाइट की टॉगल। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में AC वेंट मिलेगा, और ये ऑरेंज कलर का जो इसमें कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा स्टार स्टॉप का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे फॉग लाइट आ जाएगी, और यहाँ पे 360 कैमरा आ जाएगा, और यहाँ से आप डोर्स लॉक कर सकते हैं। नीचे आपको पैडल्स मिल जाएंगे, ये आपको मिलेंगे, साथ में आपको डेड पैडल मिल जाएगा। इंजन में आपको इसका दिखा देता हूँ, तो
यहाँ से नीचे से आप हुड ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो इंजन रहेगा वो रहेगा जी 120 bhp की पावर जनरेट करता है और 170 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन है। ऊपर आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगी, इस साइड आपको बैटरी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से रहेगा इंजन का बे। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें 12 इंच की आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, अभी आपको मैं ओपन करके दिखा नहीं सकता ड्यू टू सम रीजंस। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 AC वेंट्स सेंटर में मिल जाएंगे, हैजर्ड लाइट का बटन आ जाएगा, एल्ट्रोस की बैजिंग आ जाएगी। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है। और ये देखिए यहाँ कितना ह्यूज शेप दी है यहाँ पे डैशबोर्ड की। और ये भी ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगा, ऊपर आपको रफ प्लास्टिक ही मिलेगा। यहाँ भी आपको देख सकते हैं ऑरेंज कलर मिलेगा। यहाँ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ। देखिए यहाँ पे आप पेपर्स रख सकते हैं और नीचे यहाँ पे कप्स वगैरह भी रख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नीचे यहाँ पे कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी ह्यूज है स्पेस इस पे। और सीट्स की बात करें तो ये सीट्स आपको मिलेंगी लेदर राइट सीट्स मिलेंगी, ऑरेंज वाइट के कंसेप्ट के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे रेसर की बैजिंग आ जाएगी और ऊपर आपको सनरूफ मिल जाएगी। इसमें आपको शटर मैनुअली पीछे करना पड़ेगा। और यहाँ आपको सन वाइज़र मिल जाएगा, ये आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलेगा। और इस साइड भी आपको सन वाइज़र मिल जाएगा लेकिन टिकट होल्डर के साथ मिलेगा। लाइट जो मिलेगी आपको, लाइट मिलेगी LED में लाइट मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो IRVM है ये आपको मिलेगा, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटो डीमर वगैरह नहीं मिलेगा इस वेरियंट में। और यहाँ आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं। और नीचे यहाँ पे आपको AC वेंट्स के नीचे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, एयर फ्लो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं। और डिफॉगर्स मिल जाएंगे, AC का बटन मिल जाएगा यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। और इधर आपको सी टाइप मिल जाएगी और USB मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा इस वेरिएंट में। और जो यहाँ आपको गियर लीवर मिलेगा, गियर नॉब मिलेगी, ये आपको लेदर रैप में मिलेगी। काफ़ी अच्छी लग रही है। और आउटर पार्ट इसका ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाएगी। और यहाँ आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट, ये भी आपको लेदर में ही मिलेगा, देख सकते हैं आप। कुछ स्टोरेज कम रहेगी इसमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका डैशबोर्ड। कुछ ओवरऑल लुक ऐसे रहेगी इसमें। तो रेयर सीट्स दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है इसका इंटीरियर। इसका जो डोर ओपनर है ये आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे है, इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा और डोर ओपन हो जाएगा। डोर पैड से शुरू कर लेते हैं तो डोर पैड जो आपको मिलेगा ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट फैब्रिक मिल जाएगा। डोर ओपनर आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेगा। और यहाँ ग्लास अप डाउन का कंट्रोल आ जाएगा, नीचे स्टोरेज आ जाएगी, स्पीकर आ जाएगा, यहाँ पे ट्विटर आ जाएगा। तो स्पेशियस है काफ़ी गाड़ी अंदर से। और ये सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे आपको USB मिल जाएगी, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं चार्जिंग लगा के। और यहाँ आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल फोल्डेबल में। और जो आपको रूफ मिलेगी ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगी, इसकी स्पोर्टीनेस को काफ़ी अच्छी बढ़ा रही है आगे। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा डैशबोर्ड इसका। और सेंटर में आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिल जाएंगे हेडरेस्ट, हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आइसोफिक्स मिल जाएगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। जो आपको फ्रंट सीट्स है उसमें आपको पीछे पॉकेट मिल जाएगी, बो साइड पे मिलेगी। अब इसको मैं आपको रेयर दिखा देता हूँ। रेयर में आपको जो मिलेगा ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा ब्लैक कलर में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, वॉशर के साथ मिलेगा, डिफॉगर आ जाएगा, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग आ जाएगी। और यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा। लाइट्स इसकी जो रहेंगी टेल लाइट्स, ये आपको यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगा, यहाँ आपको नीचे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिल जाएगी। सेंटर में आपको मिलेगा टाटा का लोगो और ये ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश पार्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ब्लैक कलर में ही आपको एल्ट्रोस की बैजिंग मिल जाएगी। और रेयर में आपको जो बम्पर है इसमें आपको मिलेंगे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रिवर्स कैमरा आ जाएगा, नंबर प्लेट प्लेसमेंट मिल जाएगी, और ऊपर आपको इसके लाइट्स मिल जाएंगी और रिफ्लेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा इसका रेयर।
बूट स्पेस इसकी मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि इसकी बैटरी वगैरह ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ इसमें जो आपको बूट स्पेस मिल रहा है ये आपको मिल रहा है 345 लीटर्स का, और इसमें पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाएगी आपको। जो तो इसकी रेयर सीट है ये आपको बेंच फोल्ड में ही मिलेगी, 60-40 स्प्लिट में नहीं मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं आई टर्बो प्लस का आपको बैजिंग मिल जाएगी। तो गाइज ये आपको जो गाड़ी दिखाई है ये दिखाई है जी अल्ट्रोस, मिडल वेरिएंट है ये, R2 वेरिएंट है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है जी 10,49,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है। मेरे को तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, पर्टिकुलरली ये कलर जो प्योर ग्रे है। वैसे ये 3 कलर्स में आता है, एक ऑरेंज में आता है, एक वाइट में आता है और एक ग्रे में आता है। ये काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है और इसकी स्पोर्टीनेस भी देखें कितनी अच्छी लग रही है। गाइज आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पर्टिकुलरली अगर ये कलर कलर आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।